छोरा हरियाणा का रिवाट गाने का रिवा तेरी छोरी ने तो गोली सी बना गया। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। और सुबह सुबह अभी गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ मैं। आज एक अपने पड़ोसी भाई का जन्मदिन है, छोटा है मेरे से, दो तीन साल छोटा है, उसका बर्थडे हो रही है। शिवम आ गया, अब सारे जाएंगे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। मैं गाड़ी निकाल लूँ, थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। दो ही डंडे है भाई, ये देखो हीट नहीं है, गाड़ी भी ठंडी पड़ी है बिल्कुल, थोड़ी सी गर्म हो जाए उसके बाद निकलेंगे। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है भाई, कपड़ा नहीं लगा पाया मैं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इसलिए मैं कह रहे हैं यार आज क्या ही साफ करेंगे अब पड़े रहने से। तो चलो अब चलें निकालने गाड़ी। ये आ गया भाई केक, और भी आ गया अभी, और वो आ गया बर्थडे बॉय, वो भाग रहा उधर। ये आ गया भाई, तो भाई इसका बर्थडे है, ये बुढ़ी शक्ल का है, गोलू का जन्मदिन आज है। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई। चले यहाँ पे, चलो भाई चलते हैं। हैप्पी बर्थडे गोलू बेटे। अरे माना लेगा जाए ना, छोड़ यो भाई इसने गरा। तो भाई गाड़ी का बोनट हो गया था गंदा, तो कपड़े से एक बार साफ कर दूं मैं पूरी गाड़ी। थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई, वैसे तो साफ है, इतनी गंदी नहीं है, पर थोड़ी सी साफ कर दूं मैं। और भाई यार इन्होंने ना बहुत गलत किया यार, वो केक वेस्ट कर दिया सारा। ऐसे थोड़ी होता है, बर्थडे बनाने आए भाई, बर्थडे बनाओ, खाओ पियो आराम से। उसके एक तो दोस्त भाई ऐसे ही सारे के सारे खा के उन्होंने, और ऐसे ही लगा दिया ना, तो खाया किसी के मुंह भी नहीं पड़ने दिया भाई। मैं मम्मी को वीडियो दिखा रहा, मम्मी गुस्सा होगी, बोले ये कोई दोस्त है, ये वो फलाना दिखड़ा। मैं छोड़ो यार सब। तो ये आ गए भाई साहब जिनका जन्मदिन था। देखो भाई काम तो भी तो जाओगे भाई, कहाँ से दिहाड़ी करके आए आप। ये देख लो भाई, ऐसा बर्थडे बनाया लड़के का, बहुत बढ़िया है। अच्छा बर्थडे, शाबाश शाबाश। आपके पापा ने आपको इनाम नहीं दिया? दिया ना प्लस। अच्छा प्लस दे दिया। अरे वो दिहाड़ी पे जातू बेटे, सही है बेटे सही है। पहली बात बताऊँ, अगर आगे ऐसा जन्मदिन बनाए ना तो बेसक मत बना, ये ऐसा ही बना तो कोई फायदा नहीं यार, के खाना वेस्ट गया भाई। तो गरीब बाल का देव किस इस भर के बाल का दे देवे कि मुंह भर तो आवे। तो भाई साहब साफ करके मां गए इस टायर में, ये देखो ये पिचका पड़ा है भाई टायर में, हवा कम होगी और इसमें पंचर भी लग रहा है। तो चलो एक बार अर्जुन भाई के पास चले। ये रहे अर्जुन भाई, दिख रहे हैं शीशे में नहीं दिख रहे, ये लगे पड़े हैं काम में, अपना बिजी है। एक बार ये देखो, ये टायर पूरा ऊपर उठा हुआ है, और परला टायर दिखाता हूँ, ये वाला देख लो भाई साहब पूरा पिचका पड़ा है। चलो चेक करवा लें एक बार, बाकी ये मस्त लग रहा है, यहाँ पे सोनी लग रही है गाड़ी भाई। ये देख के मन तो ललचा रहा है, कर लें उसमें भी जुगाड़, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। और कैसे हो मालिक? ठीक हो, क्या हाल चाल है भाई? बस सब बढ़िया, घर पे ठीक है? हाँ हाँ सब बढ़िया, आप बताओ। स्कॉर्पियो नहीं, बढ़िया चल रही है, आपकी दया है। और अंकल जी का आप क्या हाल चाल है? बस सब बढ़िया। हाँ एक बार उसमें ना पीछे वाला इस साइड में टायर में दिक्कत है थोड़ी सी, उसमें लग रहा है कि पंचर है, दब रहा है वो। हाँ एक बार आओ चेक करवा लो भाई, लग गया होने पे, अब देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है, क्यों बैठा हुआ है ये, क्यों परेशान कर रहा है मेरे को। ये छोटा पड़ गया, दूसरा लगा रहा है भाई, ये भी छोटा रह गया भाई, दूसरा बच्चे अगले गया भाई साहब, पूरी हवा में दोनों टायर ऊपर उठा दिए भाई साहब। इसमें 10 पॉइंट हवा कम हो रही थी, अब देखो पंचर चेक कराएं कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। बाकी लोग अच्छे लग रहे हैं यार, कोई कमी नहीं है, देखेंगे चेंज कराएंगे या नहीं थोड़े दिन बाद, लगभग 2 से 3 महीने के बाद न्यू अलॉय इस गाड़ी में 20 इंच। अबे भाई सरफ लगाया, ब्रश लगाएगा, फिर चेक करेगा कहाँ दिक्कत है, ये तो रोड़ी है, ये रोड़ी है ना, कील है यार, कील है वो भाई साहब, हाँ इसमें से भाई लगा दे भाई पंचर।
तगड़ी बैठ गई भाई। अब ये रही किट, अब लगा देगा भाई पंचर। इसमें डाल के दबा भाई दबा, दब नहीं रहा है। आप की बार गया बस बस बस, ज्यादा अंदर चले जाओ फिर। लग गया लग गया। चारों में चेक करवा लो, ये तो हो गया ठीक। अब देखो बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट, बढ़िया होगी। गाड़ी चल चुकी भाई अपनी 4680 किलोमीटर, 10,000 रुपये सर्विस कराएंगे फिर। चलो भाई होगी ठीक। चलो पंचर लग गया इसमें, पंचर वो रखा था भाई, कील गड़ी हुई थी, पापा लेके गए थे गाँव की साइड, पता नहीं तभी हो गया था। चलो कोई नहीं, होगी ठीक। अब निकलेंगे घर की तरफ, पहले तो एक बार पापा को और चाचा को पिक करना है मेरे को, उसके बाद जाएंगे भाई घर। लो भाई रॉन्ग साइड तो क्या करेंगे, जगह तो नहीं भाई, राइट साइड से निकाल। तो भाई अपनी गाड़ी की पहली बारिश, पहली बार भीग रही है भाई गाड़ी बारिश में, लेने के बाद मस्त लग रही है भाई गाड़ी। मैं रगड़ रगड़ के साफ करी, मैं कहा यार चमका देंगे, और ये देखो क्या हो गया। कोई नहीं भाई, फिर से साफ करनी पड़ेगी, वॉशिंग भी करानी पड़ेगी अब तो, अगर मिट्टी में चलेगी ना। अभी गाँव में भी तो जाएंगे। नो भाई गांव में पहुंच गए यार, ये किसकी बस खड़ी आ गई, ये खड़े अंकल और सागर राशि भी यहां पे होंगे आसपास, यहां पे कर दो खड़ी है ना, वहां पर मिट्टी कर दे, पक्का हम कर दे, मिट्टी के पैर हो जाएंगे। मिट्टी तो बेटा कोई यहां पे पूरा नेटा पर से हो करते नहीं, अरे इतना भाई साहब। ये देखो भाई साहब क्या हाल है, कल वॉशिंग करवा के लाया था गाड़ी की, बुरा हाल हो गया सारी का। आगे से तो चलो साफ है, ठीक ठाक है, पीछे से गंदी हुई मिलेगी पक्की। ये देखो कितनी गंदी होगी हैं, और ये पीछे से देख लो आप। ले ओ भाई राशि तो आ गई, और वो कहाँ है, वो नीचे गया, नीचे गया। और ये क्या हाल कर रखा है तुमने, उसका प्रोजेक्ट बना था एक, ये मेरा वाला प्रोजेक्ट, छुट्टियों का प्रोजेक्ट, छुट्टियां चल रही है अब तुम्हारी है ठंड की, नहीं फिर सागर है क्या यहाँ पे, भाई साहब मैं गांव में आया था, आते ही मम्मी ने कहा कि हमारे लिए समोसे लेके आ, हम समोसे खाने के सारे, मैं चलो ले आता हूँ उनके लिए, ले आया मैं। मम्मी ने मेरे लिए नमकीन चावल बना दिए भाई, मैं थोड़ा ऑयली चीज़ें नहीं खा रहा बिल्कुल भी, ख़त्म बिल्कुल। हाँ तो मम्मी ने कहा कि हमारे लिए समोसा ला दिए, मैंने ला दिए, उन्होंने खा लिया, क्यों बारिश का मौसम है, उन्होंने सब ने खा के, और फिर मैंने भी नमकीन चावल खा लिए और आके सो गया भाई। और अभी जस्ट टाइम बताऊँ क्या वो टाइम रखा है, ये देखो भाई टाइम हो गया 7:06, और भाई साहब मैं ये लगा लूँ 4 से 5 घंटे आराम से सोया हूँ बिल्कुल बिना किसी उसके, यहाँ पे आराम से सोया मैं, 2 कंबल उठ के बढ़िया, कहीं चाबी गिरी जा रही है, कहीं फ़ोन, कहीं कुछ गिर रहा है, बट्स भी यहाँ पे गिर गया भाई, जेब से निकल गया अपने आप,
सही है। तो चलो अब शूज़ पहन के और चलें, पापा का फोन आ गया, डू नॉट डिस्टर्ब लगा रखा था मैंने, पापा ने भी तीन बार लगातार फोन किया जब जाके मेरे ऊपर कॉल आई फोन के ऊपर, फिर चलो चलें। पापा बोले क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? मैं नहीं अभी आया। और ये लो भाई साहब रूम से निकलने से ये देख लो, रूम से निकलते ही बारिश। चलो चलते हैं भाग के, ये देखो हाँ? मैं आ गया नीचे, खाना लिया खा, और ये देख लो सारा दिन हो गया इसके यूट्यूब में घुसे हुए। देखो गाइस एक कंपनी ने नया BMW का लोगो बनाया जो हमारी आगे खड़ी है, जो हमारी कलाकार है। हाँ क्या बड़ा है, जिन्होंने नया BMW लोगो देख दिखा रहा, ये मेरी है और इसने दिखाई नहीं तो मैं क्या करूँ, ये मेरी है। हाँ उन्हें ऊपर कर इसको दिखा, अच्छे से दिखा। देखो भाई जब मैं सो रहा था ना इसने ये पेंटिंग बनाई। अच्छा दूसरी दिखा, और कितनी बनाई है? पांच। तीन हो गई है, ये तीसरी बढ़िया बना रखी। ये क्या बना दिया, मूछ? सिर पर मूछ लगा दी, गाल यहाँ कैसे बाल है, और ये मास्क पहन, सिर पर मूछ लगा दी इसके तो। और ये क्या है? दो बेस्टीज है। बेस्टीज कौन होते हैं? फ्रेंड्स। अच्छा मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं मैंने ऐसा कर, कैसे बनता है ये, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करना था। देखो ये जो लाइन होती है ना, खुद बना ले अपना BMW लोगो। ओहो देखियो, देखो ये BMW ने नया लोगो बनाया है, देखो इससे अलग। तो ये सही तो है, इसने पूरा थोड़ी कंप्लीट किया है अभी, बना तो ठीक रखा है ये। ठीक है भैया, इसके ऐसे लाइन होती है, ऐसे एक तरफ कलर हो, इन दोनों तरफ तो ब्लू होएगा, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ना है। भाई उसने ठीक बना रखा है, ये BMW लिखेगी जब ये ठीक हो जाएगा। कैसे होएगा ना ऐसे बताओ दिमाग के। ये देख यहाँ पे ये टेढ़े हैं दोनों, देखिए टेढ़े हैं। हाँ। और यहाँ पे जब BMW लिखेगी तो सीधा ही ना हो जाएगा। दिमागदार है, सही बनाया मैंने, बना ले राशि है पता ना नहीं। चले भाई साहब ये देखो बारिश में भीग रही है आज सुबह से, और ये रही वरना आ चुकी है। इसमें देखा होगा आपने, जिस भाई ने वीडियो देखी ना कमेंट कर देना नीचे, इसकी जो मॉडिफाई करवा के लाए थे ना इसको पूरी अंदर से, मतलब लाइट वगैरह, एम्बिएंट लाइट, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ जो जो लगवाया था बता देना। आवाज़ सुननी है गाड़ी के स्पीकर की? हाँ। जो नए लगे हैं सुननी है, बारिश आ रही है, बारिश में कैसे सुने, यहाँ पे पीछे लगा के सुनाऊँ? यहाँ पे आ तो जाएगी पीछे से आराम से, पर बाइक खड़ी है भाई। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं भाई साहब। अब टास्क ये हो गया कि गाड़ी तक जाऊं कैसे, बारिश तगड़ी आ रही है, देखो दिख रहे हैं कैमरा में छोटे छोटे ड्रॉप, और यहाँ पे लगाऊंगा बैक करके, जिसमें एक गांव स्पीकर की आवाज़ भी सुन लेंगे, इन्होंने सुनी नहीं है किसी ने भी। चुरमा खा लिया, बाय बाय बाय, चले चलो दूर हट जा तो नीचे होगा। चलो भाई निकले, बारिश का मौसम है, पूरा खराब हो रखा है मौसम, बिल्कुल पानी भरा मिलेगा रोहतक में तो, अगर होगी तो। रोहतक में बारिश है आपा? हाँ। है? फिर आपने नाचना जरूरी था सागर और के साथ, मम्मी इतनी देर तक नाच गई मगर। हाँ जय लो भाई, आखिरकार पहुंच चुके हैं घर पे, और मम्मी पापा को पहले उतार दिया था मैंने, मैं क्या साइड में लगा दूं मैं, आप और उतर जाओ। तो फिर चलो भाई निकले, फोन ले लूं मैं दूसरा, और पीछे रखा है अपना मैकबुक भी उठा लूं, और भी सामान रखा है कुछ डिग्गी में, वो भी उतार लूं। तो पहले उतार लूं सामान। चलो भाई साहब ये दिखाऊं आपको कितनी गंदी हो रही है, और ये देखो घर के ऊपर ना ये जो दीवार है ना ये ऊपर वाली, ये अच्छी लगती है वैसे देखने में भी, और यहाँ पर ना नीचे खड़े जाओ गेट के, बारिश भी ना लगे, सही है यहाँ पर, ये जुगाड़ सही है। देखो मैं भीग नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, आगे बारिश आ रही है, पीछे आ रही है, इस पर नहीं आ रही है, सही है जुगाड़। चलो दिखाऊं कहीं भीग ना जाऊँ मैं इतनी तो। ये देखो भाई साहब क्या हालत होगी गाड़ी की पूरी गंदी होगी भाई साहब, पूरा तेरी टायर तो बढ़िया है भाई, ये परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे टायर। चल भाई बैग उतार लें, और तो कुछ लेना नहीं शायद, बस चलो भाई लॉक कर दूंगा अंदर जाके, आज अंदर नहीं कर रहा मैं क्योंकि गाड़ी बाहर धुल जाएगी, साफ हो जाएगी थोड़ी बहुत बारिश अगर तेज आएगी तो, नहीं तो फिर वॉशिंग तो करवानी है ही। और अब
पाची की भी भाई सर्विस करवानी है मेरे को, खड़ी है ऐसे ही, ऐसी खड़ी रहती है भाई। ये 6 साल हो गए इसको अपाचे को, और ये चली है लगभग 27,000 किलोमीटर चली है, चलाते ही नहीं मैं इसको। हैं अगली एक अच्छी वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, और कमेंट कर देना भाई वीडियो कैसी लग रही है आपको सभी को। ठीक है, बाय बाय।